हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है। आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे हमारा ब्रांड न्यू किचन, सो जिसकी हम प्री ओपनिंग कर रहे हैं। जो हमारे जो गजट सॉरी इक्विपमेंट है तो उनको हमने प्री ओपन कर रहे हैं उसको। तो सबसे पहले हमने ओपन कर दिया, पहले चिमनी थी ये लेके आए थे हिंदवेयर की, तो ये ओपन कर दिया है। और हमारा जो ओवन है एक, ये अभी हम ओपन करने जा रहे हैं और थोड़ा सफाई कर रहे हैं इसकी। तो आज इसकी हम इधर पिज्जा बनाएंगे और बहुत कुछ बनाएंगे, तो पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं और कुछ खाने के लिए ट्राई करेंगे। ग्लास है पीछे, थोड़ा संभल के। तो ये हमारा 50 लीटर का ओवन, ठीक है जी। तो हम इसमें अभी कुछ नाइस सी रेसिपी यूज करेंगे, कुछ पकवान बनाएंगे इसके अंदर। तो आपको भी दिखाएंगे कि कैसे इसको यूज करते हैं, ठीक है जी। ये है हमारा बजाज प्लस मर्फी रिचर्ड है ये, ठीक है। तो इसके पिन यहाँ से जो टेपे हैं, ठीक है जी। और इसके अंदर है एक ट्रे है और ये रोल है, जैसे अपने चिकन टिक्का, पनीर टिक्का या कोई रोस्टर कुछ ऐसा चीज बनानी हो तो इसके अंदर जो इसे रखेंगे इसको बीच होता है और इसके साथ पिकअप और ऐसे ऐसे घूमेगा वो ग्रिल करने के लिए। तो ओटीजी का मतलब होता है ओवन टोस्टर ग्रिलर। तो इसमें आप किसी चीज को बेक कर सकते हैं ओवन के अंदर, तो टोस्टर है उसके अंदर किसी चीज को टोस्ट कर सकते हैं, ग्रिल है इसके अंदर किसी चीज को ग्रिल कर सकते हैं, किसी भी आपका जो मनपसंद चीज बनानी हो उसके अंदर। तो इसके अंदर आपका केक, बर्थडे केक और पार्टी सब कुछ इसमें सब कुछ हो जाएगा जो बड़े बड़े ओवनों में होता है। तो ये मिनी ओवन है 50 लीटर का है, तो इसको कमर्शियल के लिए भी यूज कर सकते हैं आप लोग इसमें। तो एक्चुअली ये मैंने 50 लीटर का बड़ा इसलिए लिया क्योंकि इसमें जैसे गेट टुगेदर हो घर में तो ज्यादा बंदे हो तो फिर छोटा ओवन लेंगे तो उसमें वेट करना पड़ेगा ज्यादा। तो अभी हमने ये इसकी बड़ा लिया और इसके साथ जो अब एक चीज ये है, ये ट्रे ट्रा उठाने के लिए होता है ये, और ये स्पैचुला है ये ट्रे, पर ये इतना ज्यादा काम नहीं होता है ये, तो अपना अलग से ग्लव्स ले लें या कोई चीज और ले लें। जैसे ये ट्रे है इसको ऐसे उठाने से ऐसे कुछ ऐसा है सिस्टम का, तो इसके लिए होता है। और ये ऐसे उठाने के लिए ये पकड़ लिया ऐसे ट्रे, ये तो स्पैचुला है, ये थोड़ा वर्किंग हेल्पफुल लग रहा है मेरे को, ठीक है जी। और ये चीजें हैं और इसके अंदर एक ट्रे है नीचे डाली होती है, जैसे आपका कोई चीज है ड्रॉपेज हो जाती है, जैसे किसी चीज को मैरिनेट करते हो आप तो ड्रॉपेज हो जाती है, तो इसके लिए नीचे रखने के लिए ये है। तो इससे आपको निकालेंगे और सिंक में आप क्लीन कर सकते हैं आराम से, ठीक है जी। और चलते हैं आगे वाली चीज में, एक पर्टिकुलर जगह बना के रखी है इसकी जगह जो वो इधर है, ये वाह इधर फिट हो गया। और इसकी प्लगिंग जो है वो इधर से हो जाएगी, ये मैंने स्पेशल पॉइंट रखवाए थे इधर, तो इधर ये हो गया ऑन, ठीक है। अभी ये हमारी चिमनी है, तो चिमनी ये है, अभी सेंसर वाली है, तो इसमें जैसे ऑन लिखा है ऑफ लिखा है तो ऑन करनी है, चल पड़ी। वन नंबर, टू नंबर, थ्री नंबर पे फास्ट, और ऑफ करनी है दो, लो ये ऐसे चलेगी, वर्किंग करेगी, ठीक है। तो और ये हमारा जो है वो सामान रखने के लिए, तो इसमें हम अपनी बोटलें, सॉसेज, जो भी सामान है हमारा, क्रॉकरी जो भी है उसमें रखेंगे, तो आपको थोड़ा थोड़ा सब दिखाएंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू बात कर, गैस जो कि यहाँ पे फिक्स होगी ये, क्योंकि काम चल रहा था बहुत कचरा पड़ा हुआ है इसके ऊपर। ये लोग टिश्यू लेगा,
पहले निकाल लो ना, लगा के करो साफ। ठीक है जी, तो इसके अंदर सेल पड़ेगा ये वाला, डाल लो पहले। अरे वो निकल की जगह, कोई बात नहीं, ये सेल की जगह है, ये सेल हो गया। आराम से, आराम से, आराम से। ठीक है जी, दो मिनट डाल लो इसको। ये को ठीक करो, सेटअप जो कंप्लीट हो गया है। अभी कनेक्शन देना है गैस का इसके साथ, तो पानी है तो सो गैस ओवन कंप्लीट हो गया, चिमनी कंप्लीट हो गई और हमारी जो है गैस भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अभी हम सजावट का कुछ काम करेंगे, क्रॉकरी है थोड़ा करेंगे और हमारा जो है वो तो गैस हमारा जो है वो आरओबी एओ स्मिथ का जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इधर सेटअप है तो इसको मैंने ओपन ही रखने के बजाय जो ऐसे कवर कर दिया और नीचे से प्लेन है। और इधर इस तरफ जो हमारे बर्तन के लिए है, तो बर्तन ऊपर से कभी पानी होता है निकलता है तो उसके लिए जो पानी निकलता रहे नीचे सिंक में, तो ये भी कंप्लीट हो गया है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप है हमारा जो है वो इसको डेकोरेट करना है, तो डेकोरेट करते हैं उसके बाद मिलते हैं साथ में। ठीक है, बबता दारू की बोतल साफ करती हुई बबता ने ये बबता आपने पी है पूरी है? हाँ, मैं तो पीती हूँ। तो गाइस क्रॉकरी रेडी हो गई है। ठीक है, तो ये स्पेशल गिफ्ट फोन से आया हुआ है, लेके आया हूँ मैं ये। ठीक है, तो इसमें मैडम निकालो जरा, अब पैकिंग बहुत हार्ड है इसकी। थोड़ा पैकिंग जो है बहुत हार्ड है, ये चाय के कप और साथ में ये पॉट थर्मोस दूध के लिए पानी के लिए अलग अलग से। तो आप जरूर बताएं आपको कैसा लग रहा है ये। हाँ, अलादीन का चिराग, अलादीन का चिराग ऐसे होता है, बहुत ही सुंदर है। ये दूध डालने के लिए इसको रख ले, अच्छा है ये। गिलास हटाना जरा, ये
गाइस ये कप जो है स्पेशल मैंने आपको जैसे दुबई से लेके आया हूँ, थोड़े से गिफ्ट हैं ये मेरी शादी के शादी के गिफ्ट मेरे होते तो बहुत संभाल के रखे होते, तो हमारे पास ऐसा किचन नहीं था कि हम वहाँ पे डिस्प्ले कर सकें इनको, तो अभी टाइम आया है, मालिक ने टाइम दिया अभी तो, और अभी बाकी बहुत सारा सामान है, अभी बहुत सारा सामान है अनबॉक्सिंग करने के लिए, तो धीरे धीरे आपको बताएंगे। तो गाइस अभी गैस भी कंप्लीट हो चुकी है, कनेक्शन लगा दिया और ओवन का भी हो चुका है, और हमारा जो डिस्प्ले बताया था कुछ इस तरह से, अभी और चीज़ें हैं अनबॉक्सिंग करने वाली, तो वो भी कर रहे हैं धीरे धीरे, और ये चीज़ ऐसे ठीक है। आज आपको पता ही है कि स्टार्टिंग हो चुकी है हमारी पूरी काम की, तो अभी हम स्वीट बना रहे हैं। आज तो वैसे फेस्टिवल है हमारा, तो क्या बोलते हैं, पहाड़ी बोलते नौले हथियार, ठीक है, तो नौले हथियार वास्ते हम बना रहे हैं स्वीट। स्वीट क्या बना रहे हैं, हम हलवा बना रहे हैं, तो हम माता ज्वाला जी का ध्यान करते हुए माता ज्वाला जी की जो है वो गैस चलाएंगे, ठीक है, तो हमारी लक्ष्मी जी खड़ी है यहाँ पे, तो इन्हीं से हम जो है वो मुहूर्त जो है शुभ हाथों से इनका जो अब करवाएंगे। तो जय माता दी। तो गाइस हमारे किचन का शुभारंभ हो चुका है, और जय माता दी, माता रानी सुख शांति रखें, ते चढ़ती कला च रखें। तो अभी हलवा बनेगा, ठीक है जी, मैडम जी ले लीजिए डस्टर साथ में, डस्टर हमेशा साथ में रहना चाहिए, पोचा जो है वो कंटिन्यू लगना चाहिए, कुछ भी गिरेगा तो साथ साथ में साफ हो जाए। तो हमारा ये है किचन स्टूडियो, हम यहाँ पे खाने पीने की वीडियो बनाया करेंगे, ब्लॉग्स बनाया करेंगे, बातें किया करेंगे आप लोगों के साथ, लड़ाई में तो प्यार होता है, आर्गुमेंट किया करेंगे, हाँ वो आर्गुमेंट तो फिर मैं सिखाऊंगा, तो फिर वो तो सुनना पड़ेगा मेरे से, मैं एक तो वैसे बहुत हार्ड और टफ टीचर हूँ वैसे कुकिंग में, ये फूड टेस्टिंग है आपकी, ये शादी से पहले वैसी नर्वस आ रही है ना, हाँ तो जय माता दी। तो ऑयल के बाद फर्स्ट जो मेवे डाल दिए जाते हैं, अभी क्या ऑयल नहीं है, हाँ अच्छा घी है, थोड़ा फास्ट कर लो गैस को, सेंटर में फास्ट होगी, नीचे जो स्लो होगी, व्हाइट वाला मतलब बनाना, जरा थोड़ा ना ब्राउन वाला जो पम्मो बनाती है, अभी मत डालना भी, अभी नहीं मैडम जी, आप ये चला लीजिए, ये ऊपर लगाया हुआ है, ये चलाने के लिए चलाया हुआ है, नीचे से, हाँ नीचे प्लस इस यहाँ से, यहाँ हाँ एक बार और हाथ मार दीजिए, दूसरे नंबर पे चला दीजिए, हाँ ठीक है, हलवा ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुका है, पक गया है ना, हो गया अभी थोड़ा पानी डाला है, अभी लगेगा 15-20 मिनट लगेंगे, और
फिर आप लोगों के साथ रूब रू करवाते हैं। मैडम ने और भी बहुत कुछ बनाया, क्या क्या बनाया अभी आज? पूड़ियाँ, चने और हलवा। आज कौन सा त्यौहार है? तो हलवा भी रेडी है। अभी बस जस्ट एक या दो मिनट लगेंगे, बस फाइनल स्टेज पे है हलवा हमारा। ठीक है जी, आज फाइनली थोड़ा ब्राउन कलर का हलवा मिल गया हमें है। तो हमारा हलवा फाइनली रेडी हो गया है। अब ज्वाला माँ को और गैस जी को दोनों को प्रसाद फर्स्ट जो है वो इनको अर्पित। जय हो। हल्का सा पानी भी दे दो, ऐसे नॉर्मल सा। ऐसे घुमा के ऊपर से ऐसे थोड़ा सा। जय हो। तो गाइस प्रसाद जो बन चुका है, अब टेस्ट करते हैं कैसा है। तो पहले मैं मीठा बाद में खाऊंगा, पहले मैं चने खाऊंगा। चने की सब्जी बनाई है तो टेस्ट करते हैं। मेरे को लग रहा है फर्स्ट टाइम बनाई है ना। वाओ, बहुत सुंदर। पहले भी नहीं बनाते थे आप ऐसे? बहुत ही यम्मी और बहुत टेस्टी है। अभी मैं थोड़ा हलवा भी साथ में टेस्ट कर देता हूँ, देख लेता हूँ कैसा है, क्योंकि हलवे की बहुत कंप्लेंट आती है मैडम की। सब्जी तो बहुत यम्मी है। रोज दे बना दी। हलवा भी बहुत अच्छा है, पर स्पेशली ये जो है ना, ये मेरे को होटल वाली फीलिंग आ रही है चने से। सही में बहुत सुंदर। थैंक यू। तो शगुन मेरा है, शगुन मिल जाएगा आपको, इनाम मिलेगा आज। ठीक है, तो गाइस इसी ब्लॉग को यहाँ पे समाप्त करते हैं, और आप लोग भी इसी तरह एंजॉय करें और मस्त रहें और हेल्थी रहें और स्वस्थ रहें। ठीक है, और वीडियो को कंटिन्यू वॉच करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ओके, बाय बाय।